रामो विग्रहवान धर्म साधु सत्य पराक्रम राज सर्वस्य लोकस्य देवानाम मगवानिव। राम जी धर्म के विग्रह स्वरूप हैं, वे साधु एवं पराक्रमी हैं। जैसे देवगणों के राजा इंद्र हैं, वैसे ही प्रभु श्री राम हम सबके राजाधिराज हैं। अभी तक आपने देखा कि हमने अयोध्या की पवित्र भूमि पर बहुत से मंदिरों के दर्शन किए। हमने सरयू नदी के, राम की पैड़ी के, श्री हनुमान गढ़ी इत्यादि के दर्शन किए। अब हम आपको ले चलेंगे उस महत्वपूर्ण कार्य के दर्शन करवाने जिसके लिए ये खास दिन का चयन किया गया है। जी हां, आखिर आज वो दिन आ गया जब हम, आप और ये पूरी दुनिया ऐतिहासिक श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा के गवाह बनेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं हम सबका पसंदीदा कार्यक्रम भारत देखो। हमारी पूरी टीम इस प्राण प्रतिष्ठा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती है। रामाय तस्मे नमः, श्री राम को प्रणाम है। आज का ये दिन स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। भर्जनम भव बीजानाम अर्जनम सुख संपदाम तर्जनम यमदूतानाम राम रामेति गर्जनम। संपूर्ण ब्रह्मांड के नायक रामचंद्र जी का पवित्र नाम दुख के बीज को भी जलाकर राख कर देता है। उनका नाम लेने से इस लोक में और उस लोक में सुखों की प्राप्ति होती है। श्री राम एक हिंदू देवता है जो भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं। प्राचीन भारतीय महाकाव्य रामायण के अनुसार राम का जन्म अयोध्या में हुआ था। 16वीं शताब्दी में बाबर ने पूरे उत्तर भारत में हमले किए जिसमें हिंदुओं के प्राचीन मंदिरों को बहुत बड़ी मात्रा में नष्ट कर दिया गया। फिर मुगलों ने बाबरी मस्जिद का निर्माण किया। इस मस्जिद का सबसे पहला रिकॉर्ड 1767 में मिलता है। इनके अनुसार मस्जिद का निर्माण रामकोट मंदिर, जिसको अयोध्या में राम का किला माना जाता है और जहां राम का जन्म स्थान है, उसका विनाश करके किया गया था। खेल जगत के प्रसिद्ध खिलाड़ियों के साथ साथ संतों और विद्वानों ने भी इस समारोह में भाग लिया। धार्मिक हिंसा की पहली घटना 1853 में दर्ज की गई थी। वह दिसंबर 1858 में ब्रिटिश प्रशासन ने विवादित स्थल पर हिंदुओं को पूजा आयोजित करने से प्रतिबंधित कर दिया। फिर कुछ समय बाद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी भारतीय पुरातन सर्वेक्षण द्वारा 1978 और 2003 में की गई दो पुरातात्विक खुदाई में इस बात के सबूत मिले कि यहां पर हिंदू मंदिर के अवशेष मौजूद हैं। और इतने वर्ष चली लंबी कानून लड़ाई के बाद 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा भव्य मंदिर के निर्माण का भूमि पूजन आरंभ हुआ। व अन्य राजनीति दलों के नेताओं, फिल्म और टेलीविजन जगत के कलाकार, उद्योग के दिग्गजों, खेल जगत के प्रसिद्ध खिलाड़ियों के साथ साथ
यहाँ आकर काफी समय से अलग अलग गुफाओं में और अलग अलग स्थानों पर तपस्या में लीन संतों और विद्वानों ने भी प्रतिष्ठा में भाग लिया। ऐसा नजारा हमने पहले कभी नहीं देखा था। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्व स्वयं में रामचंद्रो दयालु, नर निन्यम जाने नैव जाने न जाने, अखिल ब्रह्मांड नायक प्रभु श्री राम ही मेरे माता पिता हैं, मेरे स्वामी और सखा हैं। परम करुणा वरुणालय राघवेंद्र सरकार ही मेरे सर्वस्व हैं। वह अन्य राजनीतिक दलों के नेताओं, फिल्म और टेलीविजन जगत के कलाकार, उद्योग के दिग्गजों, खेल जगत के प्रसिद्ध खिलाड़ियों के साथ साथ संतों और विद्वानों ने भी इस समारोह में भाग लिया। जय श्री राम, हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ये खूबसूरत पुष्प से लिखा प्रभु का नाम, ये पुष्प से बनाए गए मयूर, ये मंदिर के स्तंभों पर बनाई गई आकृति, ये भव्य सजावट, मंदिर पर फूलों से लिखा श्री राम। इस मंदिर के निर्माण का प्रबंधन पूरी तरह से श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट द्वारा किया गया है। इसके मुख्य वास्तुकार चंद्रकांत बी सोमपुरा हैं। इसका निर्माण लॉर्सन एंड टोब्रू यानी LNT के द्वारा किया गया है। ये पुष्प से बना तीर कमान, ये सीढ़ियों को सुंदर बनाते पुष्प, मंदिर के अंदर लगाए ये फूल और मंदिर का ये भव्य दृश्य जिसमें मंदिर के स्तंभों पर यह खूबसूरत आकृति बनाई हुई है। प्रभु के भक्तों द्वारा राम मंदिर को इतनी सुंदरता से सजाया गया है कि हमें सच में ये प्रतीत हो रहा था मानो हम त्रेता युग में आ गए हों। राम मंदिर का अभिषेक समारोह भारतीय समयानुसार दोपहर 12:15 पर शुरू हुआ और 22 जनवरी 2024 को दोपहर 12:45 के आसपास तक चला। इस कार्य की मेजबानी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई। इस प्रतिष्ठा के लिए उन्होंने 11 दिनों का विशेष व्रत रखा है जिसमें उन्होंने केवल नारियल पानी पिया और फर्श पर सोए। इस प्रतिष्ठा के साथ उन्होंने अपना व्रत पानी ग्रहण करके खोला। इस भव्य रामलला की मूर्ति देखकर मानो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि अभी प्रभु मुझसे कुछ कहेंगे और मुझे अपने गले से लगा लेंगे। इस क्षण को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। आज का दिन, ये लम्हा सभी को ताउम्र याद रहेगा और पूरा देश और दुनिया कभी इस तारीख को भूल नहीं पाएगी। ये श्रमिकों पर पुष्प वर्षा करते हुए सेना के हेलीकॉप्टर और रात का खूबसूरत नजारा, ये सब कुछ बहुत खास है। यह 3 मंजिला मंदिर भूकंप रोधी है। इसमें 392 स्तंभ और 44 दरवाजे हैं और यह दरवाजे सागवान की लकड़ी यानी टीक वुड से बने हैं और उन पर सोने की परत चढ़ाई गई है। मंदिर की अनुमानित आयु 2500 वर्ष मानी गई है।
आइए अब इस मंदिर की कुछ खास बातें आपको बताते हैं। यह मंदिर पारंपरिक नगर शैली में है। इस मंदिर की लंबाई पूर्व व पश्चिम 380 फीट, चौड़ाई 250 फीट और ऊंचाई 161 फीट है। इस मंदिर के निर्माण का प्रबंधन पूरी तरह से श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट द्वारा किया गया है। इसकी परियोजना प्रबंधन कंपनी टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स लिमिटेड है। इसके डिजाइन सलाहकार आईआईटी चेन्नई, आईआईटी बॉम्बे, सीबीआरआई प्लाजा, एसवीएनआईटी सूरत, एनजीआरआई हैदराबाद हैं। इसके मूर्तिकार अरुण योगीराज, गणेश भट्ट और सत्यनारायण जी हैं। इस मंदिर के क्षेत्रफल का 70% हरित क्षेत्र है। मंदिर की अन्य विशेषताएं कुछ इस प्रकार हैं। मंदिर के मुख्य गर्भगृह में श्री राम लला की मूर्ति है। प्रथम तल पर श्री राम दरबार है। मंदिर में 5 मंडप हैं, जिनके नाम कुछ इस प्रकार हैं: नृत्य मंडप, रंग मंडप, सभा मंडप, प्रार्थना मंडप और कीर्तन मंडप। मंदिर की परिधि के चारों कोनों पर सूर्यदेव, मां भगवती, भगवान गणेश और भगवान शिव को समर्पित 4 मंदिरों का निर्माण हो रहा है। उत्तरी दिशा में देवी अन्नपूर्णा का मंदिर है और दक्षिणी दिशा में भगवान हनुमान का मंदिर है। मंदिर परिसर के भीतर अन्य मंदिर महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वशिष्ठ, महर्षि विश्वामित्र, महर्षि अगस्त, राजा निषाद, माता शबरी और देवी अहिल्या को समर्पित है। मंदिर परिसर में सीता कुंड नामक एक पवित्र कुंड भी है। दक्षिण पश्चिम दिशा में नवरत्न कुबेर पहाड़ी पर भगवान शिव के प्राचीन मंदिर का जीर्णोद्वार है और जटायु की एक प्रतिमा भी स्थापित की गई है। इस प्रतिष्ठा के खास सफर में भारत देखो के साथ बने रहें। आप सभी दर्शकों का धन्यवाद। आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हों और प्रभु श्री राम की कृपा आप और आपके परिवार पर बनी रहे। जय श्री राम।